अब ये कंफर्म करने के लिए मांग रहा है कि दोबारा भी टाइप करो, तो मैं दोबारा करूँगा। ये दोबारा भी मैंने कर दिया है और एंटर पर क्लिक कर दिया, तो ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है कि मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो हम ऐसे भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने किसी भी यूज़र का। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन वेब टेक पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लैपटॉप में पासवर्ड कैसे लगाएंगे, कैसे हम लैपटॉप को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विंडो बटन प्रेस करके फिर इस पर सेटिंग ऑन सेटिंग पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर हम अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम योर इन्फो पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है तो आप यहाँ पर फोटो अपडेट कर सकते हैं। जैसे कैमरा, अगर कैमरे से लगाना चाहो तो ये कैमरे पे क्लिक करेंगे तो हमारी लाइव फोटो आ जाएगी। अगर आपके पास वेबकैम है और लैपटॉप है तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें वेबकैम पहले से होता है। तो इस पे क्लिक करते ही हमारी फोटो आ जाएगी, हम उसको लगा सकते हैं। और आपको अपने कंप्यूटर से कहीं और से उठानी है तो ब्राउज फॉर वन पे क्लिक करके वहाँ से उठा के फिर हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमें पासवर्ड लगाना है तो हम साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये जो पासवर्ड लिखा है हम इस पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड पे क्लिक करके ये ऐड पे क्लिक करेंगे। पहले तो ये देखिए, योर अकाउंट डज नॉट हैव ए पासवर्ड, ये कह रहा है कि आपके अकाउंट में कोई पासवर्ड नहीं है। यू मस्ट ऐड ए पासवर्ड बिफोर यू कैन यूज़ अदर साइन इन ऑप्शन। अगर आपको कोई और साइन इन ऑप्शन यूज़ करना है तो पहले पासवर्ड लगाइए। तो हम पहले पासवर्ड ऐड करेंगे, इसमें ऐड पे क्लिक करेंगे। तो हमारा न्यू पासवर्ड हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं अपना रख लेता हूँ। अगर मुझे पासवर्ड हिंट देना है तो हम यहाँ पर पासवर्ड हिंट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूंगा 1 2 3 4, ये मैंने पासवर्ड हिंट दे दिया है। और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश कर देंगे। तो अब हमारा पासवर्ड लग चुका है, तो हम एक बार चेक कर लें। ये देखिए, ये पासवर्ड लग चुका है। और यहाँ पर हम ओपन करेंगे इसको पासवर्ड से। ये देखिए, ये पासवर्ड खुल गया है। तो हमारा यहाँ पे ये पासवर्ड लग चुका है। अब हमें मान लीजिए पासवर्ड चेंज करना है, तो हम पासवर्ड को चेंज कैसे करेंगे? तो इसी पासवर्ड पे आके, जो ये पासवर्ड लिखा हुआ है इसी पे चेंज का ऑप्शन जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पर हमारा जो करंट का पासवर्ड है पहले वो डालेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर अब ये कह रहा है कि आपको कौन सा पासवर्ड डालना है, तो वो डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड हिंट भी दे देता हूँ मैं 1 2 3 4। यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। ये हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो ये था दोस्तों हमारा पासवर्ड लगाना और पासवर्ड चेंज करना। तो पासवर्ड चेंज करना दो टाइप से होता है, एक तो हम सेटिंग में जाके, जैसे अभी हमने किया, ये सेटिंग में जाके करना था पासवर्ड चेंज। और एक होता है हम बाहर से ही बिना कंप्यूटर की सेटिंग में जाए हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वो तरीका भी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर जो नीचे की तरफ है यहाँ पर CMD लिखेंगे। और यहाँ पर जो कमांड प्रॉम्प्ट है इस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। और फिर ये जो हमारी विंडो ओपन हुई है इसमें हम यहाँ पर नेट यूज़र टाइप करते हैं। जैसे हमने नेट यूज़र टाइप करके एंटर किया तो इसने हमारा दिखा दिया कि हमारे इसमें कितने यूज़र हैं। यहाँ पर हमारे दो यूज़र दिखा रहा है, एक तो गेस्ट और एक लैपटॉप।
तो हम लैपटॉप वाले का पासवर्ड चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट यूज़र लैपटॉप स्पेस करके स्टार प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये कह रहा है कि यहाँ पर पासवर्ड टाइप करो जो आपको चाहिए। तो एक बात का ध्यान रखना, हम यहाँ पर जो भी पासवर्ड टाइप करेंगे वो हमें शो नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से पासवर्ड टाइप करना, कभी आप उल्टा सीधा कुछ भी टाइप कर दो जी, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना, ये मैंने एक तो टाइप कर दिया है, अब ये कंफर्म करने के लिए मांग रहा है कि दोबारा भी टाइप करो, तो मैं दोबारा करूँगा, ये दोबारा भी मैंने कर दिया है और एंटर पर क्लिक कर दिया, तो ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है कि मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो हम ऐसे भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने किसी भी यूज़र का। तो इस आसान से तरीके से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बिना कंप्यूटर की सेटिंग या कंट्रोल पैनल में जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।